स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नए एपिसोड टॉक्स दैट ट्रांसफॉर्म में। किसी ने बहुत खूब कहा है, सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। ओम शांति दोस्तों। कई बार हम जीवन में हमेशा एक दूसरे को कहते हैं, भाई अपनी दिशा को ठीक रखो। जीवन में दिशा का बहुत महत्व है दोस्तों। आज मैं आपको एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगा। अगर इस एक बात को हमने जीवन में समझ लिया तो आपका संपूर्ण जीवन आपके अपने हाथ में आ जाएगा। आप जो चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें उस चीज को आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। दोस्तों 1979 में न्यूजीलैंड से एक प्लेन ने उड़ान भरी। दोस्तों 279 पैसेंजर्स उसके अंदर थे। करीब 2 घंटे बाद ही वो प्लेन एंटार्क्टिका की माउंट एरेलियस माउंटेन्स पर ध्वस्त हो गया। वहां सभी लोग मारे गए। जब लोगों ने देखा, रिसर्च की, तो पता लगा कि जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी थी वो 2 डिग्री अपने यथार्थ मार्ग से, जो प्रॉपर उसका मार्ग था, डिस्टाइंड पाथ था, उससे वो डेविएट कर गया था। अब दोस्तों 2 डिग्री कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वो 2 डिग्री धीरे धीरे बड़ा होता हुआ उस प्लेन को एक अलग ही डायरेक्शन में ले गया। और अनफॉर्चुनेटली पायलट्स ने उसको बीच में चेक ही नहीं किया, उनका प्लेन उड़ता रहा और करीब कुछ ही घंटे बाद वो प्लेन सब लोगों के साथ उस माउंटेन पर क्रैश कर गया। और तभी लोगों ने इस बात पर रिसर्च आरंभ की कि क्यों जीवन के अंदर थोड़ी थोड़ी चेंजेस भी, दिशा भी बहुत आवश्यक है। दोस्तों इसी से 1 in 60 रूल का एरोनॉटिक्स के अंदर आरंभ हुआ, जिसके द्वारा ये कहा जाता है कि अगर आप शुरू में 1 डिग्री भी अपने पाथ को चेंज कर देते हैं तो कुछ ही समय बाद जब आप 60 नॉटिकल माइल्स आगे फ्लाई करते हैं तो आपकी ओरिजिनल डायरेक्शन से जो न्यू डायरेक्शन आती है वो 1 नॉटिकल माइल दूर हो जाती है और आप अपने पाथ से भटक जाते हैं। जब मैं इस बात को समझ रहा था, पढ़ रहा था, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी बिल्कुल परफेक्टली होल्ड करती। और ये डायरेक्शन हमको 2 बातें 2 शिक्षाएं आज देती हैं। इन दोनों बातों को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जब भी हम किसी मार्ग पर चलते हैं, किसी चीज को ठानते हैं, तो बहुत जरूरी है कि रोज हम अपनी चेकिंग को जरूर करें। अब आप किसी मार्ग पर चल रहे हैं, आपको लगता है कि आप परफेक्ट चल रहे हैं, आपने कुछ मापदंड भी बनाए हैं कि आप उन चीज को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यदि आप चेक नहीं करते हैं और थोड़ा भी आपका पाथ चेंज होता है, आप उस चेंज पाथ पर कंसिस्टेंट रहते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जिस डायरेक्शन में आपको जाना होता है उससे आप भटक जाते हैं और कहीं की कहीं और आप पहुंच जाते हैं। और आप कहते हैं, अरे भाई मैं तो रास्ता भटक गया। समय का भी लॉस होता है, एनर्जी का भी लॉस होता है, और कहीं ना कहीं आपको मन में भी थकान होती है, इरिटेशन होती है, और हम वापस आने में अपना बहुत समय दोस्तों लगा देते हैं। इसलिए जब भी किसी मार्ग पर चलें, जब भी किसी चीज को फॉलो करें दोस्तों, तो रोज अपने पाथ की चेकिंग जरूर करें। इस बात को समझना जीवन में बहुत आवश्यक है। इसी के साथ दोस्तों एक और बात जो बहुत आवश्यक है कि यदि आपकी जिंदगी ठीक नहीं जा रही, यदि आपको लगता है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ चेंज तो होना चाहिए, तो उसके लिए एक दिन में कोई रेडिकल चेंज लाना जरूरी नहीं है। हमें हमेशा एक चीज समझनी है कि चेंज थोड़ा भी जब हम करेंगे और उस चेंज पर हम परसिस्टेंट रहेंगे, उस चेंज पर हम कंसिस्टेंट रहेंगे, रोज उस चेंज को अपने जिंदगी में फॉलो करेंगे दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली अपने मार्ग को चेंज करने के कारण हम एक नई जगह पर पहुंच जाएंगे। यही इनोवेशन का आधार है, यही सफलता का भी आधार है। यदि आप ओल्ड वेज को ही यूज करते हैं तो रिजल्ट्स भी आपको ओल्ड आएंगे, लेकिन यदि आप कुछ ऊंचा प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए बहुत बड़ा चेंज नहीं, हल्का सा, छोटा सा 1 डिग्री चेंज जरूर लाइए। दोस्तों मैं अपनी कहानी आपको सुनाता हूं। 2001 में जब मैं अमेरिका से आया था, उस समय मेरा वेट 96 केजीज था। दोस्तों मुझे किसी ने बोल दिया कि भाई तुम कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनैलिटी तुम्हारी होनी चाहिए। देखिए जरा मेरी ये फोटोज, आपको विश्वास नहीं होगा। 96 केजी, मुझे थायराइड था, डायबिटीज थी, हाइपरटेंशन था, फैटी लिवर था। दोस्तों ये बात मुझे उस 14 जुलाई के दिन बहुत तेज लगी, मन को छू गई। और मैंने दोस्तों कोई बड़ी चीज नहीं की, आज दिन तक किसी डाइटिशियन को, किसी ट्रेनर को कंसल्ट नहीं किया, लेकिन 19 जुलाई से लेकर मैंने अपने लाइफस्टाइल में लिटिल लिटिल 1 डिग्री चेंज लाया। मैंने अपनी डाइट को क्वांटिटी से क्वालिटी में चेंज कर दिया और मैंने रोज अपने शरीर के लिए व्यायाम करना आरंभ किया। केवल 2 प्रॉपर चेंजेस लाए।
दोस्तों 19 जुलाई से लेकर कंसिस्टेंटली मैं इस कार्य को करता रहा। इन चेंजेस को मैंने अपने सिस्टम में ढाल लिया, डाइट को प्रॉपर लिया और रोज कुछ भी हो जाए 45 मिनट्स टू 1 आवर वर्कआउट मुझे अपने शरीर के लिए जरूर करना है। दोस्तों फरवरी 9, 2002 जब मेरा एग्जाम था उस दिन तक कि मैंने अपने वेट को 23 केजीज कम कर लिया। देखिए मेरी नई फोटो, अमेजिंग चेंज, डायबिटीज गायब, हाइपरटेंशन गायब, थायराइड गायब, सब कुछ डिसअपीयर कर गया और एक नई पर्सनालिटी को रिगेन किया, एक नए कॉन्फिडेंस के साथ रिगेन किया। मेरे मन में ये बात बैठ गई कि कोई बहुत बड़ी चीज करने की आवश्यकता नहीं है, रेडिकल चेंज करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी अगर मैं परिवर्तन करता हूं और उस परिवर्तन को मैं कंसिस्टेंटली करता हूं तो मेरी लाइफ एक नई जगह पर, एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है और वो आपको कंप्लीटली न्यू अचीवमेंट्स करा सकती है। दोस्तों ब्यूटी ये नहीं थी, जब मैंने उसको कुछ महीने किया आज 21 साल बाद भी मैं उन चेंजेस को अपनी लाइफ में रोज प्रैक्टिस करता हूं और तभी देखिए ये नई पिक्चर कि इन चेंजेस के कारण पर्सनालिटी और कहीं ना कहीं हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट एंड स्पिक ऑन रहती है। दोस्तों इसलिए बहुत आवश्यक है चेंजेस छोटे छोटे लाइए। बड़े चेंजेस लाएंगे तो घबराहट होगी, लेकिन अगर आप छोटा भी चेंज लाते हैं, नॉमिनल भी चेंज लाते हैं और उसमें दृढ़ता का पालन, अफर्मेशंस बार बार डालते हैं आई हैव टू डू इट और उस चीज पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं दोस्तों, तो आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती चली जाती है और आप उस चेंज के द्वारा अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। दोस्तों हमारे जीवन की सफलता अगर हमें स्टडीज में, बिजनेस में, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से हमें ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है, हमें रुकावट लगती है, तो इस टेक्निक को अपनाइए, स्मॉल चेंजेस को लाइए। वो चेंज आपके माइंडसेट में हो सकता है, वो चेंज आउटसाइड हो सकता है, वो आपके बिहेवियर में हो सकता है, लेकिन वो लिटिल चेंज आपका इंतजार कर रहा है और यही 1 डिग्री चेंज आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज दे देगा, आपकी लाइफ को एक नया आयाम दे देगा, एक नई जिंदगी की तरफ आपको ले जाएगा। तो दोस्तों लेट अस गो फॉर दिस वंडरफुल 1 डिग्री चेंज इन अवर लाइफ, द होल न्यू वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर अस। थैंक यू, ओम शांति। दोस्तों इस 3T सीरीज के अंदर टॉक्स दैट ट्रांसफॉर्म हम छोटे छोटे वीडियोस, प्रैक्टिकल, साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें आप इनको सुनकर अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं, अपने आप को इंस्पायर कर सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने जीवन में जो चाहें, जिस प्रकार से चाहें उसको अचीव कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर आइडियाज हैं, किसी चीज पर आप सुनना चाहते हैं, तो हमको लिख कर भेजिए bkdrmohitgupta@gmail.com पर। उन टॉपिक्स को हम एड्रेस करते हुए आपके लिए उसी रूप से कंसेप्चुलाइज वीडियोस लाएंगे ताकि आप लोगों की, फैमिलीज की, बच्चों की, हमारे समाज को एक नया दिशा मिले, एक नया आयाम मिले और हमारा जीवन खुशहाल बने, हमारा जीवन शक्तिशाली बने। ओम शांति।